भारतीय अभिभावक अपने बच्चों को जीवन ज्ञान देते रहते हैं। यह ज्ञान कई प्रकार के होते हैं। भारतीय अभिभावक चाहे किसी भी राज्य के हों, जिले के हों, ब्लॉक के हों या गांव के हों, कुछ ज्ञान सार्वभौमिक सत्य बनकर सामने आता है। उदाहरण के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा ये एक ज्ञान यह दिया जाता है कि जरूरत से ज्यादा मत बोलो। यह ज्ञान पूरे विश्व भर में एक जैसा ही ज्ञान है। यह ज्ञान हमारे छवि को संतुलित रखता है। कुछ बच्चे अपने अभिभावक की बातों पर अमल करते हैं, बाकी कुछ इसे हवा में उड़ा देते हैं। जो बच्चे ऐसी बातों को सुनते नहीं हैं, वह लड़के आगे चलकर अभिनेता सिद्धार्थ हो जाते हैं। हिंदी बेल्ट के लोग सिद्धार्थ को संभवतः एक ही फिल्म के लिए जानते हैं और वह है रंग दे बसंती, जिसमें सिद्धार्थ ने करण सिंघानिया का रोल किया है। खैर, आजकल हर अभिनेता या अभिनेत्री का एक राजनीतिक विचारधारा होने लगा है, तो स्वाभाविक रूप से सिद्धार्थ का भी एक विचारधारा है और वह विचारधारा उदारवादी है। वह अक्सर भाजपा विरोधी बातों को ट्विटर के जरिए लोगों के सामने रखते हैं और अब इसी आदत के चलते सिद्धार्थ की हर जगह थू-थू हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश आपको बताऊंगा कि आखिर क्या है पूरा मामला। 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर दौरे के दौरान PM नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर साइना नेहवाल के ट्वीट के जवाब में लिखे गए ट्वीट के लिए सिद्धार्थ की आलोचना की जा रही है। यह वही मामला है जिसमें सुरक्षा उल्लंघन की जांच अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली समिति कर रही है। PM नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक का जिक्र करते हुए साइना नेहवाल ने 5 जनवरी को एक ट्वीट में लिखा, कोई भी देश अपने आप को सुरक्षित होने का दावा नहीं कर सकता अगर उसके अपने PM की सुरक्षा से समझौता किया जाता है। मैं अराजकतावादियों द्वारा PM मोदी पर कायरतापूर्ण हमला की कड़े शब्दों में निंदा करती हूं। नेहवाल ने पंजाब के बठिंडा में एक फ्लाईओवर पर PM मोदी के काफिले को करीब 20 मिनट के लिए रोके जाने पर चिंता जताई थी, क्योंकि पिछले सप्ताह किसानों ने विरोध प्रदर्शन के जरिए सड़क को अवरुद्ध कर दिया था। साइना नेहवाल के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्धार्थ ने 6 जनवरी को ट्विटर पर लिखा, भगवान का शुक्र है कि हमारे पास भारत के रक्षक हैं, आप पर शर्म आती है, #रिहाना। यहां आपको बताते चले कि रिहाना ने उन किसानों को समर्थन दिया था जो 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे और जिसे अब वापस ले लिया गया है। पिछले साल फरवरी में भारतीय हस्तियों और नेताओं ने रिहाना को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए उनकी जमकर आलोचना की थी। अभिनेता को उनकी टिप्पणियों के लिए व्यापक आलोचना मिली जो यौन मासूमियत से युक्त पाई गई। साइना नेहवाल के पति ने खूब आलोचना की है। बैडमिंटन खिलाड़ी पी कश्यप ने सोमवार को ट्विटर पर अभिनेता सिद्धार्थ द्वारा अपनी पत्नी और स्टार शटलर साइना नेहवाल के बारे में की गई सेक्सिस्ट टिप्पणियों पर निराशा व्यक्त की। पी कश्यप ने सोमवार को एक ट्वीट में सिद्धार्थ को टैग करते हुए लिखा, यह हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपनी राय व्यक्त करें, लेकिन बेहतर शब्द चुने। मुझे लगता है कि आपने इसे इस तरह से कहना अच्छा समझा। यह विवाद बड़ा हुआ तो खुद साइना नेहवाल को प्रतिक्रिया देनी पड़ी। टिप्पणी करने के लिए पूछे जाने पर स्टार शटलर साइना नेहवाल ने सोमवार को इंडिया टुडे से कहा, मुझे यकीन नहीं है कि उनका मतलब क्या था। मैं उन्हें एक अभिनेता के रूप में पसंद करती थी, लेकिन यह अच्छा नहीं था। वह खुद को बेहतर शब्दों के साथ व्यक्त कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि यह है ट्विटर और आप इस तरह के शब्दों और टिप्पणियों से लोगों की नजरों में बने रहते हैं। इसके बाद मामला तूल पकड़ने लगा तो सिद्धार्थ ने सोमवार को फिर से ट्विटर पर स्पष्ट किया, कॉक एंड बोल यही ट्वीट संदर्भ है, अन्यथा पढ़ना अनुचित और अग्रणी है। कुछ भी अपमानजनक इरादा कहा या संकेत नहीं दिया गया था। अब लाज बचाने के लिए कुछ तो कहना होता है, तो ट्वीट में सस्ते अभिनेता ने भी अपनी बात कह दी है। इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्विटर को लिखा है कि साइना नेहवाल पर अभिनेता सिद्धार्थ के ट्वीट को तुरंत ब्लॉक किया जाए। अपने पत्र में NCW अध्यक्ष ने अभिनेता की टिप्पणियों को गलत और अपमानजनक करार दिया है। ट्वीट के लिए अभिनेता की आलोचना करने वाले अन्य लोगों में भाजपा नेता खुशबू सुंदर शामिल हैं, जिन्होंने कहा, सिड आप एक दोस्त हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपसे इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे। यह बहुत ही बकवास है। मुझे यकीन है कि चाचा और चाची को आप पर गर्व नहीं होगा। किसी व्यक्ति के प्रति अपनी घृणा के साथ न बहें। इसके अलावा हरीश नामक यूजर ने भी खूब खरी खोटी सुनाई है। उसने अपने ट्वीट में लिखा, एक्टर सिद्धार्थ को ईमानदारी से सलाह यह है कि मुझे आपको यह जानने के लिए गूगल पर जाना पड़ा था कि आप हैं कौन। इसलिए इससे पहले कि आप साइना नेहवाल जैसे खिलाड़ियों को निशाने पर लें, कम से कम आप यह कर सकते हैं जो साइना नेहवाल ने उपलब्धि हासिल की है उसका कम से कम 10% हासिल तो कर लो। मामले पर सदगुरु ने भी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, #साइना नेहवाल देश का गौरव है। सबसे अरुचिकर और घिनौना मजाक, हम सार्वजनिक प्रवचन कहां ले जा रहे हैं। एक यूजर ने आंकड़ों के साथ अभिनेता सिद्धार्थ की औकात भी बता दी और साथ ही साइना नेहवाल के रिकॉर्ड्स को भी बखूबी रखा है। उसने ट्वीट में लिखा, साइना नेहवाल पूर्व विश्व नंबर 1 चैंपियन, 24 अंतरराष्ट्रीय खिताब,
तीन बार ओलंपियन, एक ओलंपिक पदक, राष्ट्रमंडल पदक, एशियाई खेलों का पदक, पद्मश्री, पद्म भूषण, अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न, हैशटैग सिद्धार्थ। इस थोतो के लिए सिद्धार्थ खुद ही जिम्मेदार है और यह इन बातों के लिए जितना भी स्पष्टीकरण दे दे, लेकिन असल में यह कुंठा का परिणाम है जो अब समय के साथ बाहर निकलकर सामने आ गया है।